हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में बता रहा था कि हम लोग सोच रहे थे छठ पूजा का शूट करने का, तो चले आए हैं भाभी के पार्लर में। ये देखिए, पहले ही से एकदम बन छन के तैयार होकर बैठी हैं, मस्त लग रही हैं भाई, है ना बाबू? हैं, अच्छी लग रही है। चला जाए क्या इनको? देखिए, एक काम कीजिए, आज आप हमारे साथ चलिए, खाली रील बनाया जाए, है ना? इसको आज पार्लर का काम संभालिए। निशा को पार्लर छोड़ दे रहे हैं। निशा पे क्या? हाँ, पार्लर छोड़ दिए। यदि तुम तब तो सब जितना भी कस्टमर बना बने, जितना भी मेहनत है, सब पानी फेंक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको फायदा हो जाएगा। क्या भाभी रील बना लेती है? अच्छा, निशा एक दिन आपका रील दिखा रही थी हमको रात में, देखे भाभी का था। बोले अच्छा, ठीक है, उन लोग का देन है, मनीषा लोग का देन है। यही लोग बताती भाभी ऐसे खींची वैसे खींची, ये लोग शूट करती है। तो गाइस, मस्त पार्लर में भी आए हुए हम लोग, और निशा का आज का लुक आएगा, कैसा आएगा वो तो आपको भाभी बताएंगी, ठीक है? कैसा आएगा मतलब करके बताएंगी, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बाकी आज ये वो साड़ी पहनने वाली है, साड़ी मेरा कौन सा साड़ी पता है? लगन का। नहीं खरीद कर मैं ना, पता है ये साड़ी मैंने मतलब एक ब्रांड है सोच, जो मल्टी मतलब जो बड़ा बड़ा ये होता है ना, वो मॉल वगैरह उसी में खुलता है, उससे हम लिए थे। हाँ, 4,000 रुपये के दिए, मतलब केवल ये याद, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन क्या, 7 साल हो गए याद है। हाँ, बहुत स्पेशल हुआ था सब कुछ। बस यही था कि लास्ट में ना शादी अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि दादी मेरी पैरालाइज हो गई थी, जिसके कारण थोड़ा सा समस्या हो गया था। हाँ, उसी टाइम एक महीना पहले, मतलब जो चीज़ 10 दिन पहले तक सब कुछ सही हुआ था, 10 दिन 15 दिन पहले ही, एक महीना पहले होली किसको था? हाँ, एक महीना पहले उसके पहले ही सब हम लोग कर लिए थे प्लान, क्योंकि हम लोग को पता था कि समय मिलेगा नहीं, स्कूल का सेशन का टाइम है, सब कर लिए थे, शादी की सारी तैयारियाँ हो गई थी। बट चलिए कोई नहीं, कभी बाद में बात करेंगे। अभी निशा का लुक होगा, वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और एक और लड़की देखिए, देखिए गाइस, तो फाइनली देखिए निशा का लुक, ओ माय गॉड। तो भाई आज लुक देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ भाई साहब, ये देखिए आ गई, ये इनका ही करामात है सारा कुछ, धोखा देने वाला काम करती है लड़कों को, खूबसूरती को और बढ़ाती है, बाबा खूबसूरती को बढ़ाती है। बट कैसा लग रही है निशा, बताइएगा जरूर। और काफी प्यारा लुक लग रहा है आज निशा का। तो अभी हम लोग चलेंगे सूट के लिए, आप लोग बने रहिए, खूब सारे प्यार सपोर्ट करते रहिए, और भाभी जी को लाइक दीजिए एकदम भर भर के, भाई लाइक दे दीजिए। गाइस, तो फाइनली अभी पहुंचे हम लोग अपने स्कूल पे, और आज मैंने ये सब कुछ सजाया था, तो आज हम लोग करेंगे सूट यहीं पे छठ पूजा का, क्या जी? और मेरा लुक कैसा लग रहा है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा पता है। गाइस, खास बात क्या है कि इस बार छठ मैं करने वाला हूँ, और कैसे करेंगे ये, हमको तो बहुत हमको टेंशन हो रहा है, बड़ वेयर करेंगे टेंशन मुझे हो रहा है, समझ रहे हो? ये छठी मैया सब पार्लर, ये बिना खाए नहीं रह सकते, इनका नाश्ता 9 बजे नहीं मिलेगा तो ये पागल हो जाते हैं। हाँ, मेरा टाइमली है, मेरे को टाइम पे खाना चाहिए, पूजा करेंगे। और अभी हमारे साथ हमारे एडिटर भाई साहब ब्रजेश बाबू हैं, तितली भी है इधर। अब हम लोग टीका किए ना, तो तितली को भी करना था, है ना? तितली भी कर लिए यहाँ पे, और अभी हम लोग करेंगे सूट वगैरह। और ब्रजेश भाई को बुलाया गया, ब्रजेश भाई आज कैसा आपको फील आ रहा है, मजा आएगा आज? तो गाइस, जितना भी आप हम लोग बेहतरीन रील देखते हैं मेरा, ये इन्हीं हमारे महाशय का मतलब क्या बोलूँ मैं। और ये ना पता है क्या, मैंने बोला कि भाई तुम ना फेसबुक थोड़ा सा बनाओ ना, ये बनाता ही नहीं, कहीं नहीं बनाते हो, बनेगा, सब समझा दिए तब नहीं बनाता, बट कोई नहीं गाइस। अभी जल्दी हमारी कल या परसों से शॉर्ट फिल्म की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या जी? छठ पूजा पे ब्रजेश भाई, पिछली बार भी ये बनाए थे, किसे बनाए थे? 15 अगस्त पे बनाए थे ब्रजेश भाई, ये इन्हीं का कमाल था। और इस बार छठ पूजा पे भी आएगी, क्या जी? आप रेडी है, एक्साइटेड है? हाँ भाई, रेडी है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, करते हैं शूट थोड़ा बहुत, और आप लोग बने रहिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिहाइंड द सीन्स आप फेसबुक पे देखने के लिए मिलेगा, और मस्त मस्त रील्स आपको इंस्टाग्राम पे जाके देखने के लिए मिलेगा, क्या जी? चलिए करते हैं शूट, जल्दी से करते हैं हम लोग, और आप लोग बने रहिए गाइस। तो अभी फाइनली रात के बज रहे हैं 9:30, और अब बारी है पैक अप, है ना जी? हो गया, मजा आया शूट में बहुत ज्यादा, ठीक है? और अब चलते हैं हम लोग घर के लिए, क्योंकि भूख है हमारी। 1, 2, 3 तितली एगो है जिसको पूरा टीम संभालता है। तो हम लोग अपना शूट कर लेते, और आज पायल नहीं आई, क्योंकि आज पायल मेकअप नहीं की थी, अभी पायल से हम लोग मिलेंगे, क्या पायल पता नहीं कहाँ है, पायल मिस यू, ठीक है, पायल को मिस करें, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे घर पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज है धनतेरस, और आप सभी को हैप्पी धनतेरस,
धनतेरस को लेके इतना ज्यादा कामकाज बढ़ गया था, आप लोग को पता ही होगा ज्वेलरी शॉप है तो कितना मतलब खास होता है ये दिन, और लोगों के लिए भी होता है क्योंकि खरीदारी करना रहता है और अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि इस साल क्या लेंगे उस साल क्या लेंगे, और यही है। तो हम लोग का शॉप बहुत अच्छे से सज चुका है, हम लोग का क्या मतलब हम लोग के घर में जितने भी सारे शॉप्स हैं सब अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा होके नीट एंड क्लीन करके, देन आज बहुत सारे शॉप्स में पूजा होगी, शायद हमारे में भी होगी, हमको उतना कन्फर्म नहीं पता है, और या फिर दिवाली के दिन होगी, दोनों दिन वैसे होती है। और आज भी एकदम दुकान सजा हुआ है इतना अच्छा, अभी तक तो मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि घर के काम काज में बिजी थी, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके तितली को मैंने भेज दिया पहले तैयार करके, और अब मैं जाऊँगी। और स्कूल भी हमारा खुला हुआ है, तो स्कूल में भी क्या है कि बच्चे आ रहे हैं तो आज लास्ट डे है, और रंगोली वो लोग भी करते हैं, रंगोली महोत्सव करते हैं, तो बहुत सारे रंगोली वगैरह, तो बैक टू बैक मतलब स्कूल पर भी देखना होता है, देन दुकान पे भी देखना होता है, देन घर का भी कामकाज तो है ही, डेली वाला कामकाज है, तो सब देखना बहुत हिक्टिक हो जाता है हमारे लिए। चलिए अभी चलते हैं दुकान पर, दिखाते हैं आप सभी को। फीवर हो गया था शाम को ही इसको, हल्का हल्का था, रात को थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट सुबह में रात भर भी था, बट सुबह सुबह थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं भेजूँ और मैं इसको लेके थोड़ा सा रेस्ट करूँ ताकि शाम तक ठीक रहे। इसका अभी वैक्सीनेशन कर देता मैं इसीलिए नहीं दिलवाई क्योंकि इसका बुखार आ जाएगा, वैक्सीनेशन का 5 सुइयां पड़ेगा इसको, आई थिंक 2 वैक्सीन था और 3 सुइयां था, इसीलिए मैं इसको नहीं दिलवा रही थी कि इसको फीवर हो जाएगा, और आज देखो इसको फीवर हो ही गया है ना दीदी, और दुकान पे गया था आपने है ना। तो तितली का भाई बर्थडे आने वाला है और दिवाली के दिन ही बर्थडे है, कैसे क्या करेंगे हम लोग को नहीं पता है, बस देखते हैं उसी दिन अब जो होगा सो होगा, कुछ वैसे प्री प्लान नहीं है क्योंकि टाइमिंग ही नहीं है, सब कोई दिवाली मनाएगा एंड उसमें हम लोग क्या ही करेंगे। तितली का न्यू पायल भी मैंने इधर में पहना दिया है आज से, यहाँ पे पायल और हाथ का भी पहना दिया, पूरी तैयारी कर दिया मैंने शनिवार को, बस अच्छे से रहे और अच्छे से इसका बर्थडे मने, 2 साल की हो जाएगी हमारी, और देखते देखते पता भी नहीं चल रहा है ना दिल्ली हाँ, तो ऐसे कह रहे थे ना सब कि इसका बर्थडे सबको ही मनाएगा, पूरा दुनिया मनाएगा इसका सेकंड बर्थडे, सब बम पटाखे फोड़ेंगे खूब मस्ती करेंगे है ना दिल्लू। तो दिल्ली का बर्थडे हर साल ऐसे ही आएगा, मम्मी बोल रही थी कि क्या कभी छठ रहेगा कभी दिवाली रहेगा कभी धनतेरस रहेगा कभी कुछ रहेगा है ना। तो थोड़ा सा इसको फीवर के कारण थोड़ा सा ऐसे कर रही है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं खिला पिलाती हूँ, तब तक आप लोग को मिलते हैं अगले ब्लॉग शाम का, और खूब सारा प्यार सपोर्ट ऐसे ही कीजिएगा, और हाँ हमारे ज्वेलरी शॉप में अगर आप नियर बाय हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, कनक मंदिर है, और चलिए मिलते हैं आप सभी से, हैप्पी धनतेरस, बाय बाय।